बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं पकाऊंगी चाइनीज़ मिक्स वेजिटेबल्स। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है 1/2 kg बोनलेस चिकन, 1 kg बंद गोभी, इसे बारीक काट लें, 1/2 kg गाजर, इसे कद्दूकश कर लें, 1/2 kg शिमला मिर्च बारीक काट लें, 1/2 kg आलू, इन्हें भी बारीक काट लें, 1/2 kg मटर, 1 प्याली कुकिंग ऑयल, 2 टमाटर, 10 हरी मिर्चें, 2 चम्मच के करीब हरा लहसुन। अगर आपके पास हरा लहसुन नहीं है तो आप इसमें जो लहसुन है उसके 12 जवे डाल सकते हैं, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 लीमू, 2 चम्मच सिरका, 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 1 चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ। मैंने कढ़ाही में चिकन जो है वो डाल लिया है। अब मैं इसमें 1 प्याली कुकिंग ऑयल की डालूंगी। और इसे मिक्स करूंगी। अब मैं इसे इतना इसमें फ्राई करूंगी कि जो चिकन का पानी है वो इसमें से ड्राई हो जाए और ये लाइट गोल्डन कलर, इसका जो ब्राउन लाइट ब्राउन कलर हो जाए चिकन का। जी ये चिकन जो है ये इसमें से पानी इसका काफी निकल आया है, ये ड्राई हो जाएगा। ठीक है, अब उतनी देर जो है मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। मसाला तैयार करने के लिए इसमें जो 2 टमाटर थे वो, 10 हरी मिर्चें, 1 लीमू निचोड़ लेना है, 2 चम्मच हरा लहसुन, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इन्हें मैं ग्राइंड कर लूँगी। जी चिकन हमारा जो है जितना हमें लाइट गोल्डन चाहिए था वो हो चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने गाजर, हरी मिर्च, हरा लहसुन वगैरह ग्राइंड किया था वो डाल दूँगी। साथ ही इसमें 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच सिरका, 1 चम्मच नमक, 2 बड़ी इलायची डाल के इन्हें मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं इस मसाले को भून लूँगी। जी चिकन जो है वो हमारा जितना हमें इसे भूनना था वो हो चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने कद्दूकश की थी गाजरें वो डाल दूंगी। इसके साथ ही मैं मटर डाल दूंगी, 1 चम्मच काली मिर्च डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसे लो मीडियम फ्लेम पर जो है पकाऊंगी। एक तरह से इन्हें भूनना ही है। भूनते हुए ही जो हमारे मटर हैं वो गाजरों का जो पानी है इससे पक जाएंगे। उतनी देर तक हमने इसे पकाना है। जी अब काफ़ी हद तक जो हमारा गाजरों का पानी है वो इसमें से ड्राई हो चुका है और जो हमारा ऑयल है वो इसमें से, ये देखिए ऑयल अलहदा हो रहा है। तो अब मैं इसके अंदर जो है जो मैंने आलू काटे थे वो डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो हमारे आलू हैं वो भी बन जाएं, गल जाएं ताकि इससे अच्छे से। इनको सबको मिक्स कर लिया है मैंने। ये है कि मैंने कोई भी चीज़ जो है वो बॉईल करके नहीं डाली,
बॉईल करने से एक तो ये हो जाता है कि सारी गज़ाइयाँ तो हमारे पानी में निकल जाती हैं, तो मैंने अपनी सारी जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं वो ऐसे ही पकानी है। अब हम इसे इतनी देर तक पका लेते हैं जब तक हमारे आलू जो है वो गल जाए। जी अब हमारे जो आलू हैं वो भी गल चुके हैं, तो मैं अब इसमें बंद गोभी जो है वो डालूंगी। बंद गोभी फ़ौरन से सारी नहीं डालोगी, आप इसे पार्ट्स में डालिएगा और फिर इसे साथ साथ मिक्स कीजिएगा। साथ ही शिमला मिर्च, अब जो चिली सॉस रह गई थी मैं वो इसमें 2 चम्मच डाल दूंगी। और अच्छे से इसे मिक्स कर लूंगी। ये जैसे जैसे मिक्स होगा ये बंद गोभी जो है वो नीचे होती जाएगी। जी मैंने इसे मिक्स कर लिया है अच्छे से, अब जो बाकी की बंद गोभी है वो दोबारा से इसके ऊपर डाल के उसे भी हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी करके आपने चीज़ें डालनी है ताकि ईज़िली आप इसमें चम्मच जो है वो अपना हिला सके। अब मैं इसमें चम्मच हिला लूँगी दोबारा से। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं इसमें जो 1 चम्मच हमारा ज़ीरा था वो डाल दूँगी। अच्छा अब जो है मैंने इसमें जो बंद गोभी और शिमला मिर्च डाली थी, सिर्फ हमने इस तरह से चम्मच हिलाना है आराम आराम से कि जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाए और जितनी हमें ये चाहिए उतना ये रेडी हो जाए। इसे हमने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, ठीक है। ये बस थोड़ी देर ही है इसे, तो फिर ये रेडी है। याद देखो जी हमारी चाइनीज़ मिक्स वेजिटेबल्स जो हैं वो अब रेडी हैं सर्व करने के लिए। ये आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है, इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये मेरी फैमिली की पसंदीदा डिश है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को भी प्रेस करें, इससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।